आखिर कैसे हनुमान जी ने एक अनाथ बच्चे के प्राण बचाए। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है, तमिलनाडु के छोटे से कस्बे में रानी नाम की एक महिला रहा करती थी। रानी बचपन से ही हनुमान जी की असीम भक्त थी। वो अपनी दिनचर्या में कभी भी हनुमान जी की पूजा करना या हनुमान चालीसा का पाठ करना नहीं भूलती थी। रानी अनाथ बच्चों को निःशुल्क पढ़ाया करती थी। रानी को किसी भी संस्था या सरकार की ओर से कोई भी आर्थिक सहायता नहीं मिलती थी। वो स्वयं ही दूसरे विश्वविद्यालयों में जा जाकर सिलाई के छोटे छोटे काम करके पैसे कमाती और उस पैसे का एक भाग उन अनाथ बच्चों की पढ़ाई में लगाती। रानी बहुत ही सज्जन स्वभाव की महिला थी और सही मायनों में असली रानी थी। किसी से कोई भी हीन भावना नहीं रखती थी। अपने अच्छे कार्यों के कारण आसपास के सभी लोग रानी की बहुत इज्जत करते थे। रानी एक पुराने सरकारी विद्यालय जो कि बंद हो चुका था, उसमें एक अनाथ बच्चे को पढ़ाती थी और उन बच्चों को हनुमान जी के कई किस्से और कहानियां सुनाती कि किस प्रकार हनुमान जी ने बड़े बड़े असुरों को कितनी आसानी से हरा दिया। फिर एक दिन रानी ने हनुमान जी की एक प्रतिमा की स्थापना उस विद्यालय में करवा दी। अब जब भी बच्चे आते तो सबसे पहले हनुमान जी के आगे सर झुकाते और फिर पढ़ने बैठते। सब कुछ सुखमय व्यतीत हो रहा था। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि सब हैरान रह गए। एक दिन रानी को बच्चों को पढ़ाने के लिए देर हो गई। जल्दी जल्दी वो विद्यालय की ओर पढ़ रही थी, तभी उसमें से एक बालक राहुल रानी की तरफ दौड़ दौड़ कर आया और कहने लगा कि दीदी, हमारे साथ रामू का एक्सीडेंट हो चुका है। वो दोनों विद्यालय की ओर दौड़े और रामू को उठाकर एक छोटे से अस्पताल में ले गए। अस्पताल में उसकी पट्टी तो हो गई, परंतु रामू को अब तक होश ना आया था। रामू का खून पूरी तरह से बह चुका था। वहां डॉक्टर ने कहा कि किसी बड़े अस्पताल में से ले जाइए, इसका बचना संभव हो पाएगा। यहाँ इसका बचना संभव है। वो दोनों रामू को उठाकर एक बड़े से हॉस्पिटल में ले गए। भर्ती करने के लिए पहले ही डॉक्टर ने उनसे बहुत सारे पैसों की मांग की, परंतु रानी के पास इतना पैसा नहीं था, इसीलिए डॉक्टर ने रामू का इलाज करने से मना कर दिया। रानी ने अस्पताल में सबसे बहुत निवेदन किया, परंतु उसके किसी ने एक बात तक नहीं सुनी और उसे धक्के देकर अस्पताल से बाहर निकाल दिया। रानी का मन बहुत दुखी हो चुका था। उसके सामने एक अनाथ बालक की जान जा रही थी, वो रोने लगी। तभी पास के हनुमान मंदिर में जाकर उसने रामू को लेटा दिया और हनुमान जी से हाथ जोड़कर कहने लगी कि प्रभु, इस बालक की जान बचा लीजिए। कुछ देर बाद मंदिर के बाहर बादलों की तेज गर्जना होने लगी। बहुत तेज आंधी तूफान आने लगा और बारिश होने लगी। उस तूफान के बीच मंदिर में एक व्यक्ति ने प्रवेश किया। उस व्यक्ति का पूरा शरीर सफेद वस्त्र से ढका हुआ था। व्यक्ति रानी के पास आया और उनसे पूछा, तुम क्यों रो रही हो और इस बच्चे को क्या हुआ है? रानी ने सारी बात उस व्यक्ति को बताई। तब उस व्यक्ति ने अपने पास से एक पीतल का लोटा निकाला और उसमें से कुछ जल की बूंदें रामू के ऊपर छिड़की और कुछ बूंद उसके मुंह के अंदर डाल दी। देखते ही देखते कुछ ही मिनटों में रामू का अचेत शरीर हिलने लगा, उसकी आंखें खुल गई। रानी की खुशी का कोई ठिकाना न रहा, उसने रामू को गले से लगा लिया। वो कहने लगी कि मुझे बहुत खुशी है कि तुम्हारे प्राण बच गए। रामू ने रानी से पूछा कि दीदी, मुझे हुआ क्या था, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? तब उसने बताया कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था और डॉक्टर ने तुम्हारा इलाज करने से मना कर दिया, तो उस व्यक्ति ने अपनी कुछ पानी की बूंदों से तुम्हारा इलाज कर दिया। उस व्यक्ति को रामू और रानी ने धन्यवाद देने के लिए जैसे ही पीछे मुड़े तो वह व्यक्ति गायब था। व्यक्ति को गायब पाकर वह दोनों आश्चर्य में आ गए। रामू ने रानी से कहा, दीदी, यहाँ तो कोई व्यक्ति नहीं है, आप किसकी बात कर रही हैं? किसने मुझे ठीक किया? रानी ने कहा कि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, साक्षात हनुमान जी ने आकर तुम्हारे प्राण बचाए हैं। जब सबको ये बात पता चली तो सभी लोग आश्चर्य में रह गए और इस प्रकार हनुमान जी ने स्वयं आकर कुछ जल की बूंदों से ही एक अनाथ बालक के प्राण बचाए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, ये वीडियो पसंद आई है, तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। अब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।